तो गाइस आज होने वाला है फेस रिवील, चॉकिंग राइट। 1 2 3 फेस झुका फेस रिवील। अच्छा मेरा ख्याल से मैं ब्लॉग स्पेशल ब्लॉग वीडियो स्पेशल वीडियो बताई थी आपको मैंने, उसमें मैं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं नहीं डाल पाया तो इस आम वीडियो में कर दिया मैंने। और आज की हम खेलने आ रहे हैं WWE SmackDown से Raw 2011, और उसमें हम करेंगे आज खेलेंगे हम बैटल रॉयल खेलेंगे, 6-man बैटल रॉयल। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो जो वीडियो शुरू करते हैं वह इसी तरीके। तो गाइस आप देख सकते हैं गेम शुरू हो चुका है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो चलो शुरू करते हैं। हमको एंट्रेंस ऑफर देते हैं और मैं देखिए अरीना एक नया आया है वो लगाया मैंने, अब देखिएगा अंडरटेकर का है। और यहाँ पे मैंने किसी को भी लिया, सब बिग मैंस को लिया है, सब खुद लड़ेंगे। मैं किसी को नहीं लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन है यहाँ पर, रेडमी कोजलॉफ है, मिक शो है, अंडरटेकर और केन है और लीगल जैक्सन भी हैं। तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया आपने, और वीडियो शेयर जरूर कीजिए। केन पिटाई कर रहे हैं मिक शो की, देखते हैं सबसे पहले कौन एलिमिनेट होता है। अभी अचार तो नहीं आ रहे गए किसी के भी इनमें से के एलिमिनेट होने के, क्योंकि सब अभी लड़ रहे हैं एलिमिनेट करने का, ये उनका नहीं लग रहा मेरे को। ब्रॉन स्टोन हो सकता है कि तो अंडरटेकर, हाँ शायद हो सकता है कि ब्रॉन स्टोन फर्स्ट एलिमिनेशन हो इस बैटल रॉयल के, उनको अंडरटेकर एलिमिनेट करें। ओके चांस तो बढ़ जाएगा इस, और ब्राउन स्ट्रोमैन को एलिमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन मिक शो और लीगल जैक्सन को करने की कोशिश में। देखते हैं फर्स्ट एलिमिनेशन किसका होता है। इजिकियल जैक्सन गाइस एलिमिनेटेड, ने मिक शो ने एलिमिनेट कर दिया है, फर्स्ट एलिमिनेशन हो गया है। देखते हैं सेकंड एलिमिनेशन, मिक शो को एलिमिनेट करने की कोशिश में बैटल रॉयल में ब्राउन स्ट्रोमैन। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए, जो भी आवाज़ आ रही हो या नहीं आ रही पता नहीं मुझे, आप तो आ रही नहीं आ रही। और ब्रॉन स्ट्रोमैन एलिमिनेट करने वाले कोशिश में है, बिग शो एलिमिनेट कर दिया गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। केन अंडरटेकर और लेडमी कोज़लॉफ और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस वक्त रिंग में है, इज़ीकल जैक्सन और बिग शो एलिमिनेट हो चुके हैं। शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन की बारी है यहाँ एलिमिनेट होने की। यस गाइस पीछे आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, बाहर से आवाज़ आ रही है। ब्रदर और डिस्ट्रक्शन आप लड़ पड़े गाइस, अब देखते हैं अंडरटेकर और केन जितने कौन किसको एलिमिनेट करता है। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन गाइस बचा रहे हैं, बिग शो अंडरटेकर भी नहीं एलिमिनेट कर पाए ब्रॉन स्ट्रोमैन को, रेडमी को अजला भी नहीं कर पाए। गाइस ओ केन एलिमिनेट करने वाले गाइस अंडरटेकर को, मेरे ख्याल में ओ नो सब कोई अंडरटेकर एलिमिनेट करनी कोई कर नहीं पाया गाइस। ओ गाइस ब्लड मी वाज लव, देखते कर पाते हैं नहीं कर पाते अंडरटेकर को एलिमिनेट करने, मुश्किल होगा, हो सकता है कर लेते हैं, हो सकता नहीं कर पाएंगे, कोई अंडरटेकर है गाइस कोई ऐसे वैसा कोई है। और मैं फेस कैम इसलिए कर रहा क्योंकि अंधेरा हो रहा है रीजन की वजह से, लाइट असल में मैं लाइट बंद हुई है मेरी इस वजह से,
फेस कैम नहीं कर रहा, फेस कैम वीडियो शायद अगली वीडियो में फेस कैम कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। आप सबको एडवांस फॉर इंडिपेंडेंस डे मुबारक। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप खोल के देखिएगा। मेरे को मेरे दोस्तों में भेजा गिफ्ट है आप सबके लिए, जरूर देखिएगा। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। ओ ना केन प्रोनाउंस में एलिमिनेट करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, रेडमी को स्टॉप ने अपनी लास्ट चला दी। गाइस दोनों केन और ब्रॉन्स मिलने मिलकर हमें कह रहे हैं और दोनों मिलकर कोशिश करें ब्लेडमी को स्लव को एलिमिनेट करने की। और मुझे लगा शायद ब्लेडमी को स्लव का देखते हैं आप इनमें कौन है जो बेस्ट बिग मैन ऑफ द ऑल टाइम। ब्रॉन्स में शायद आउट करने वाले हैं केन को। केन दोनों सुपरस्टार बहुत बिट चुके हैं, बिटा चुके हैं और सिर्फ एक बारी में दूर है कोई कोशिश करे लिमिट करने की। केन भी बहुत पटा चुके हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत पटा चुके हैं गाइस। केन मार क्यों नहीं गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन मार रहे हैं। लो गाइस मेरा लगता है हो गया काम, ब्रॉन स्ट्रोमैन इज द बेस्ट बिग मैन ऑफ ऑल टाइम। कोई एलिमिनेट नहीं कर पाया उनको, ना अंडरटेकर ना बिग शो और ना ही केन। ओह माय गॉड नहीं है, केन बचा लिया गाइस। देखते हैं अभी क्या होता है, वही है चल रहा है। फिर से पकड़ चुके हैं ये भाई, इस बार पक्का है हाल में गाइस केन जाने वाले हैं। और गाइस हेलमेट कर दिया मैं कहा था। और आपने नोटिस किया गाइस एना को, एना जैसे रखा है गाइस, भूतिया टाइप का अंडरटेकर का माहौल है। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर देगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।